Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will discuss agriculture and forestry syllabus and challenges in Pakistan agriculture, part 1. So fisheries, cottage industry. We will discuss resource management, rural development, institutions and policies, and issues and options. So Pakistan agriculture sector, including fisheries, cottage industries, resource management, rural development, and institutional policies, faces several challenges. So we will discuss fisheries. तो इसमें फिशरीज को जो सबसे ज्यादा जिस प्रॉब्लम का सामना है वो ओवर फिशिंग है, जिसमें अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस है, जो कि फिश के स्टॉक्स के डिप्लेशन सीजन ऑफ लेकर जा रही है इनलैंड के अंदर भी और मेरीन फिशरीज को भी. नेक्स्ट इसके अंदर फिशरीज के अंदर जो है वो पोल्यूशन है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ और अनट्रीटेड सीवेज, तो ये वाटर बॉडीज को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं. जो इस तरह की जो पोल्यूशन है ये फिश के हैबिटेट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है. नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स की कमी है, जिसमें फिशरमैन जो है वो ज्यादातर ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर रिलाय करते हैं और जो कि लेस एफिशिएंट हैं और इन्वायरमेंटली डैमेजिंग भी है. अब इस तरह के जो फैक्टर्स हैं ये फिशरीज के शोबे को जो है वो डैमेज कर रहे हैं. अब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें एक फैक्टर है, जिसमें इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज हैं, इसके साथ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं और ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि हिंडर करती है फिशरीज सेक्टर की ग्रोथ को. नेक्स्ट जो है कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिसमें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट हैम्पर्स द ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज. इसके अंदर स्किल गैप्स है, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादातर ट्रेडिशनल स्किल्स के ऊपर जो है वो रिलाई करती है. सो जो इसकी जिसमें ट्रेनिंग की बहुत बहुत कमी है मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर और जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अदर यूज की जाती हैं इस कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मार्केट एक्सेस, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है लार्जर मार्केट्स तक एक्सेस हासिल करने के लिए, क्योंकि उनके पास नेटवर्क्स की कमी है, मार्केटिंग चैनल्स उनके पास नहीं है, जिनकी वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स या स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनकी मार्केट तक एक्सेस मुश्किल हो जाती है. नेक्स्ट जो है वो रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स को फेस कर रही है, दैट कैन बी डिफिकल्ट फॉर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स टू नेविगेट. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसमें वाटर स्कार्सिटी है, यानी रिसोर्स को मैनेज करना पाकिस्तानी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें वाटर स्कार्सिटी है. पाकिस्तान जो है बहुत सारे वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहा है, क्योंकि वाटर की यहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है और ओवर एक्सट्रैक्शन है, इसके साथ इनएफिशिएंट इरीगेशन प्रैक्टिसेस यूज़ किए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जा सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए, जिस तरह से ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है और इस तरह के अदर टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके वाटर की स्कार्सिटी को जो है वो रिमूव किया जा सकता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट लैंड डिग्रेडेशन का. तो सोयल एरोजन, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रही है, और जिसके अंदर एक बड़ा फैक्टर लैंड की डिग्रेडेशन है. इसके साथ इस रिसोर्स मैनेजमेंट में एनर्जी शॉर्टेजेस आते हैं, फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस एंड हाई एनर्जी कॉस्ट लिमिट द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस. क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो भी रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंजेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर. और फोर्थ हमारा पॉइंट है रूरल डेवलपमेंट का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स हैं, यानी कि पुअर रोड नेटवर्क्स, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की कमी, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, एजुकेशन की कमी, इस तरह फैकल्टीज जो नहीं है, और इसके साथ रूरल एरियाज में ये बड़े इशूज़ हैं, मेजर इशूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स हैं. और उसके बाद पॉवर्टी है, जिसमें हाई लेवल पॉवर्टी जो है वो रूरल एरियाज के अंदर है, जो कि एक लो इन्वेस्टमेंट की बड़ी वजह है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की जो है वो मार्केट तक एक्सेस नहीं होती, उनको प्रॉपर उनकी क्रॉप्स के जो है वो प्रोडक्टिविटी उसको नहीं मिलती, और जिसकी वजह से जो है वो स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो पॉवर्टी का शिकार रहते हैं, मॉडर्न सीड्स को वो यूज़ नहीं कर पाते, और इस तरह से उनके जो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं ये इनकी बड़ी वजह है. इसके साथ है माइग्रेशन का, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर माइग्रेशन एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें
अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है रूरल एरियाज के अंदर, जो कि माइग्रेशन को ड्राइव करते हैं अर्बन सेंटर्स की तरफ, सो लीडिंग टू लेबर शॉर्टेजेस इन एग्रीकल्चर। इसके साथ एक फैक्टर है एक्सेस टू क्रेडिट का, स्मॉल फार्मर्स जो है उनके अंदर लिमिटेड एक्सेस होती है क्रेडिट की, और इसमें जो इस तरह की जो अबिलिटी है उनको हैंडल करती है, ताकि इसकी वजह से वो बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, बेटर टेक्नोलॉजीज को जो है वो यूज़ नहीं कर पाते, बेटर इनपुट नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज और इश्यूज एंड ऑप्शंस है। तो इन पॉलिसीज को जो है वो पॉलिसीज को या इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, जिसमें फ्रिक्वेंट चेंजेस हैं पॉलिसीज के अंदर, जिसमें जो कि अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को रोकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ना होना भी एक बड़ी वजह है क्रॉप की यील्डिंग की, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को लो करने में। इसके बाद वीक गवर्नेंस है, जिसमें करप्शन और इनएफिशिएंसी है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिसकी वजह से पुअर इम्प्लीमेंटेशन होती है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की। नेक्स्ट हम इसमें सब्सिडीज और सपोर्ट को देखते हैं, तो मिसमैनेजमेंट है सब्सिडीज और सपोर्ट प्रोग्राम्स की, जो कि ओपन बेनिफिट्स होते हैं लैंड ओनर्स, लार्जर लैंड ओनर्स के लिए इज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स तक इन मिसमैनेजमेंट की वजह से सब्सिडीज नहीं पहुंच पाती, सपोर्ट नहीं पहुंच पाती स्मॉल फार्मर्स तक, और वो लैंड ओनर्स तक ही रह, लार्जर लैंड ओनर्स तक ही रह जाती है। इसके एक और फैक्टर है लैंड रिफॉर्म्स का, सो फेलियर टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स हैज लेड टू एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड, लिमिटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को लिमिटेड करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इफेक्टिव नहीं किया जा रहा है इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स को, जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेकर जा रहा है। इसके साथ रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, तो इनसफिशिएंट जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, इस तरह से वीक एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, वो भी इनोवेशन को रोकती हैं, अडोप्टेशन जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस को जो है रोकती हैं इस तरह की रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज के अंदर, इस तरह की जो इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट की वजह से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लैंड रिफॉर्म्स को, सो इम्प्लीमेंट इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज टू एम्पावर स्मॉल फार्मर्स एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्मॉल फार्मर्स को एम्पावर किया जा सकता है, अगर इक्विटेबल लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हो और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग, सो प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज टू फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज। ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाए स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को, तो इस तरह से वो मॉडर्न टेक्निक्स को, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अपना सकते हैं और अपनी क्रॉप्स को जो है वो बेटर।